आ रहा है। आज एक महीने से ज्यादा हो गया थर्मल के तमाम कर्मचारी जो हैं धरने पर है, सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय से, जहां पर उपायुक्त महोदय राहुल हुड्डा से मिलने के लिए थर्मल के तमाम कर्मचारी आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब थर्मल के कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनके कोई सुद नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कर्मचारियों का जो शोषण कर रहे हैं, उन भेड़ियों को थर्मल से भगाने का काम करें। थर्मल हरियाणा के अंदर ही है, थर्मल हरियाणा से बाहर नहीं है। जब आप विधानसभा में खड़े होकर कहते हो कि हमने ठेकेदारी बंद कर दी, और समय रहते एक बात और कह देना चाहता हूँ, बार बार मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी कभी भी वो हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, पूरे हरियाणा में 1.5 लाख कर्मचारी है, हिम्मत है तो आप उठाकर दिखाएं। सब कर्मचारी सिटीजन की तरह जवाब देने में सक्षम है। जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को कौशल रोजगार पोर्टल पर चढ़ाने का काम करें, और ये जो इटाची भरने वाले जो तुम्हारे ये ठेकेदार हैं, इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाने का काम करें। यही भारतीय मजदूर संघ कहना चाहती है। तो आप लोगों ने सुना कि तमाम जो है मजदूर क्रांति और मजदूर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थर्मल की जो है एक महीने से ज्यादा समय हो चुका जब थर्मल के कर्मचारी जो है अपने मुद्दे कौशल रोजगार नियम को लागू करो, जी हाँ, HPGCL प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है कौशल रोजगार में शामिल करने के लिए। दीन बंधु सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में इनको करा जाए और इनके करने के साथ इनको एक उचित मानदेय दिया जाए, ताकि इनको कौशल रोजगार के तहत जो है सुविधाएं मिल सकें और ये अपना जीवन यापन कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुखर बात के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मौके पर दलबल भी मौजूद है और कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि महोदय राहुल हुड्डा को ही ज्ञापन देंगे, तहसीलदार को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश से हजारों की संख्या में जो है थर्मल के कर्मचारी यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और कौशल रोजगार नियम लागू करने के लिए सर छोटू राम दीन बंधु थर्मल पावर प्लांट के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। प्रदेश स्तरीय नेता भी यहाँ पर मौजूद है जिनका इस प्रकरण को क्या कुछ लेकर कहना है। इस सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को जानकारी दे दें, एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब थर्मल पावर प्लांट के तमाम कर्मचारी जो हैं ठेकेदारी प्रथा को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने पर बैठे हुए लगभग इन्हें 35 से 37 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रदेश स्तरीय नेता यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ इनका कहना, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो मौके पर जानकारी ये दी जा रही है कि मौके पर SDM जगाधरी से जरूर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। उपायुक्त महोदय राहुल हुड्डा किसी काम में बिजी हैं, जिसके चलते वो नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ पर ज्ञापन पहुंचने के लिए, ज्ञापन देने के लिए जरूर पहुंचे हैं। तो मौके पर जो है ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है, मौके पर जो है SDM बताया जा रहा है जगाधरी को ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। तमाम मुद्दे को, जिनकी सुविधाएं असुविधाएं हो रही हैं, उस मुद्दे को लेकर यहां पर ज्ञापन की प्रक्रिया को किया जा रहा है। थैंक यू सर।
37 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। आज डीसी उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनसे भी नहीं मिले, बल्कि एसडीएम से मिलवाया गया। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम 37वां दिन यहाँ तीनों थर्मलों के कार्यकर्ता, चाहे पानीपत थर्मल, खेदर थर्मल और यमुना नगर थर्मल के, आप अपने उपायुक्त को यहाँ ज्ञापन देने के लिए इसीलिए पहुँचे ताकि ये प्रशासन और सरकार जगे और इस मैनेजमेंट, निकम्मी मैनेजमेंट को जगाए और इन सभी कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज हो। सर बीच बीच में बातें ये निकल कर आ रही थी कुछ कर्मचारी का हो गया, कुछ कर्मचारी का रह गया, किसी नियमों के तहत उनका डाटा दर्ज किया जाएगा? सरकार के साथ लगातार वार्ता जारी है जिसपे सरकार ने 5 से 7 डिवीजनों पर सहमति बनाई है। हम चाहते हैं कि आधे से ज़्यादा कर्मचारियों का डाटा पहले ही उसमें दर्ज हो, उसके बाद हम ये है कि उसका टाइम लिखित में एक समझौता हो, उसके लिए हम सर, अभी तक आपकी 2-4 वार्ताएं हुई हैं सरकार के साथ, आपके जो नुमाइंदे हैं सरकार के पास गए थे, सर क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या बिजली मंत्री रंजीत चौटाला इसमें कुछ बातचीत? बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी बिल्कुल हाथ खड़े कर गए हैं, उन्होंने बिल्कुल भी असमर्थता जताई है क्योंकि इस सरकार पे IAS लोबी भारी है, कोई भी IAS अधिकारी इस सरकार मैनेजमेंट मान नहीं रही है। लेकिन मैनेजमेंट से हमारी वार्ता लगातार जारी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का, कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा और इन सब का डाटा चढ़ाने का काम मैनेजमेंट करेगी। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि 3 कर्मचारी आपके 3 जगह के कर्मचारी भी यहाँ पर जरूर पहुँचे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की तमाम समिति यहाँ पर जरूर पहुँचे, क्या कुछ करें? आज प्रदेश के यहाँ नेतृत्व यहाँ पहुँचा है, इसमें संदीप सिंह अम्बाड़ा से कंवरपाल जी, जसविंदर दूहन जी और हमारे प्रदेश का नेतृत्व भी यहाँ पहुँचा है और लगातार अभी हम इंतजार करेंगे इस सोई सरकार का, अगर 2 दिन में नहीं जागी तो प्रदेश स्तर की बैठक बुलाकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, तो प्रदेश स्तर की बैठक बनाकर आगामी नीतियों को किया जाएगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय से, जहां पर 37 दिन से ज्यादा जो है थर्मल के तमाम कर्मचारी हैं, कौशल रोजगार निगम के तहत जो है इनकी भर्ती होनी चाहिए, इसको लेकर जो है तमाम यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उपायुक्त राहुल हुड्डा से मिलने की बातचीत चल रही थी। मेरे सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए IBN24 परिवार के साथ नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।